के सामने एक नई मुसीबत। ये नया किरदार केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी को कौन सी नई दिशा देगा? मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ बाली ग्रेट स्टूडियोज में। 2019 में बिग स्क्रीन पर केजीएफ की एंट्री में वो भूचाल लाया था जिसका असर 2 सालों बाद में महसूस किया जा सकता है, और एक बार फिर अपने इसी इंपैक्ट की सबको याद दिलाने वे लौट आ रहे हैं। रॉकी वापस आ रहा है दुगने स्वैग, पावर और साइल के साथ। पर इस बार उनकी ये जंग इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि अगर रॉकी की पावर्स इन्फ्लुएंस बढ़ा है तो विलन्स ने भी खाली समय नहीं गवाया। उन्होंने भी अपनी सेना तैयार करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, और शायद इस सेना में एक और महारथी जुड़ गया है। अब कौन है वो और क्यों है वो इतना खास, जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। अगर प्रेजेंट टाइम में बॉलीवुड के सबसे ज्यादा अवेटेड विलन्स की लिस्ट बनाई जाए तो केजीएफ चैप्टर 2 के निर्दयी भयानक अदीरा का नाम नंबर 1 पर होगा। और अगर यूं ही मिस्टीरियस और अनप्रेडिक्टेबल कैरेक्टर्स की लिस्ट बने तो शायद रमिका सेन को फर्स्ट स्पॉट हासिल हो, लेकिन शायद इतना सस्पेंस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील के लिए काफी नहीं था कि उन्होंने विजेंद्र इंगलांगी नाम का एक और तड़का लगा दिया। अभी फैंस इस कैरेक्टर के ट्रेड समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि एक और धमाका हो गया एक्टर राव रमेश का। पिछले साल ही प्रशांत नील ने ये खुलासा कर दिया था कि केजीएफ चैप्टर 2 में वेरी वर्सेटाइल एक्टर राव रमेश की एंट्री हो गई है, और जैसा कि अपनी फिल्म के क्रेज के बारे में मैं वाकिफ ही हूँ, उन्होंने ऑडियंस के लिए एक पंचलाइन भी डाल दी, कीप गैसिंग। आखिरकार एक साल बाद जाकर डायरेक्टर साहब को इस पर्दे को हल्का सा ऊपर खींचने का दिल किया। हाल ही में मेकर्स ने अपने उसी फेमस केजीएफ टाइम्स के नई एडिशन की एक फोटो रिलीज की और एक निराले तरीके से एक्टर राव रमेश को जन्मदिन की बधाइयां भी दी। इस पोस्टर से फैंस पर इतनी रहमत कर दी गई कि ये रिवील कर दिया गया कि फिल्म में ये सस्पेंस एक्टर सीबीआई हेड कनगरेंटी राघवन के किरदार निभाएंगे, एक ऐसा किरदार जो केजीएफ में खास इंटरेस्ट रखता है। अब ये इंटरेस्ट केजीएफ में है या फिर रॉकी में, ये सवाल तो जनता भी कर रही है। हालांकि एक बात तो साफ है कि इस बार रॉकी की जिंदगी काफी व्यस्त होने वाली है। अदीरा से जंग, रमिका से पॉलिटिकल वॉर, विजेंद्र से सीक्रेट्स को छुपाना, और अब सीबीआई भी इस लाइन का हिस्सा बन गई है। लगता है बागी 3 की वॉर अगेंस्ट अ कंट्री का थीम यश अपनी केजीएफ चैप्टर 2 में भी पूरी करेंगे, जहां गुंडों से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सबने अपनी जगह बांध ली है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सीबीआई हेड के इस किरदार और रॉकी के बीच फिल्म में कैसे संबंध दिखाए जाएंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। स्क्रिप्ट रिटन बाय उपासना पांडे।